दोस्तों राजस्थान के जिला नागौर में एक गांव पड़ता था। उस गांव का नाम था कालवा। उसी गांव में एक जाट का परिवार रहता था जो पेशे से किसान थे। उस जाट का नाम था जीवन राम डूडी। इनके घर में 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या अत्यंत ही सुंदर और सुशील थी। कन्या का जन्म होने पर पिता को परम खुशी हुई। उन्होंने इस कन्या का नाम रखा कर्मा। कर्मा को सभी बड़े ही प्यार से कर्मा बाई कह करके पुकारते थे। जीवन राम डूडी भगवान के परम भक्त थे और कृष्ण का उन्होंने अपने घर में एक मंदिर बना रखा था, जहां पर वह नित्य ही भगवान कृष्ण की पूजा करते और भगवान को भोग लगाते। जब तक वह भगवान को भोग नहीं लगा लेते थे, तब तक वह भोजन को ग्रहण नहीं करते थे। उनके घर का यह नियम था, यह रोज का नियम इसी प्रकार से अनवरत चलता आ रहा था। समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को भगवान कृष्ण की आराधना और पूजा करते हुए और उनको भोग लगाते हुए देखा करती थी। भोग लगाने के बाद हुए भोजन ग्रहण करते, यही सब देखते देखते हुए कर्माबाई का बचपन बीता। कुछ साल जब बीत गए, कर्माबाई के पिता एक दिन तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले ही पिता जीवन राम डूडी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगा करके ही भोजन को ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख का काम कर्माबाई को सौंप करके उसके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। जब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठ करके भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया, तो कर्माबाई ने खिचड़े को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली उठा करके भगवान के सामने रख दी और भगवान से विनती करते हुए कि बोली, भगवान आपको जब भी भूख लगे तब आप इस खिचड़े को खा लेना, तब तक मैं घर का दूसरा काम निपटा लेती हूँ। इतना कह करके वह अपने काम में लग गई। कुछ देर के बाद जब उसने आकर के देखा तो थाली ज्यों की त्यों रखी हुई थी। भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं था। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी भगवान को शायद भूख नहीं लगी होगी और इसीलिए उन्होंने भगवान ने भोजन नहीं ग्रहण किया है, कुछ देर के बाद भगवान खा लेंगे। ऐसा सोच करके वह फिर अपने काम में लग गई और बीच में वह बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया है कि नहीं लगाया, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ा अच्छा नहीं बना है या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई है। ऐसा सोच करके कर्माबाई ने खिचड़े में थोड़ी सी गुड़ और घी को मिला दिया और थाली लेकर फिर से भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा की और भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझको सौंप करके गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही वे वापस आएंगे, तब तक आपको मेरे ही हाथ से बना हुआ भोजन को ग्रहण करना होगा। भगवान मुझे अनेक तरह के व्यंजन बनाने नहीं आते और न ही मुझे पूजा की कोई विधि विधान मालूम है, मुझे तो बस यह बाजरा का खिचड़ा और रूखी सूखी सब्जी और रोटी बनाना ही आता है। आपको कुछ दिन इसी को खा करके गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा और ज्यादा घी और गुड़ मिला दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर के बैठ गई। इस तरह से दोपहर बीत गई, शाम होने को आ गई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद को देख करके भगवान की मूर्ति से एक आवाज आई कि अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा भगवान के सामने कर दिया और उसी की छाया में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खिचड़े का भोग लगा दिया और पूरी थाली को खाली कर दिया। कर्माबाई ने जब देखा और कहा कि हे भगवान, इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले बता देते, इतने दिन आप भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगा करके कर्मा ने भोजन किया। इस तरह से कर्माबाई का नित्य नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती, भगवान की थाली परोस करके भगवान के सामने रख देती और अपनी ओढ़नी का पर्दा लगा करके वह बैठ जाती और कुछ देर में देखती कि थाली पूरी तरह से साफ हो गई है।
यह देख करके कर्मा बहुत खुश हो जाती कि भगवान अब उसके हाथ से बना हुआ खिचड़ा खा रहे हैं। अपने दूसरे कामों में जब वह लग जाती, कर्मा बाई का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसीलिए वह सुबह सवेरे जल्दी से उठती और किसी विधि विधान के चक्कर में न पड़ करके सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती, और भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चिंत होकर स्नान आदि करती और घर के दूसरे काम करती, और यह क्रम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जब कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो कर्मा ने अपने पिता को सारी बात बता दी। पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए और शाम को जाकर के खिचड़ा खाया, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी ही भोग लगाते ही पूरी थाली को साफ कर देते हैं। यह सुनकर के कर्माबाई के पिता आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते हुए देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा कि जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, वो भगवान तो उसके घर में ही विराजमान है और उनकी पुत्री के हाथों का बना हुआ भोजन वे रोज भोग लगाते हैं। मन में इस तरह सोच करके वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे, और उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर के कर्माबाई बहुत ही खुश हुई। इस तरह से रोज सुबह जल्दी उठ करके अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने चली जाती और बड़े प्रेम से ही उनका भोजन बनाती। यह इनका रोज का नियम बन गया था। कुछ वर्ष के बाद कर्माबाई के पिताजी का देहावसान हो गया, वे परलोक सिधार गए। अब कर्मा अकेली बची, इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता। इसलिए कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर के अपने गांव कालवा को छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते हुए कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में पहुंच गई। जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसी में रहने लगी। अब तो कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठती, भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और उनको भोग लगाने के लिए बैठ जाती और अपनी ओढ़नी को पर्दा कर देती। कुछ देर में भगवान खिचड़ा खा लेते और थाली खाली हो जाती। इस तरह से कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती और इसी प्रकार का क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला कि माँ, कुछ खाने को मिलेगा, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा कि हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने के लिए साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उनसे कहा कि माँ, खिचड़ा बहुत ही अच्छा बना है, मैं कल भी खिचड़ा खाने के लिए आ जाऊंगा। कर्माबाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तो तेरे लिए रोज खिचड़ा बना करके रखूंगी, तू रोज खिचड़ा खाने आ जाया करो। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज खिचड़ा खाने के लिए आपके यहाँ पर आऊंगा। यह कह करके बालक वह चला गया। सुबह जब हुई, अगले दिन बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने के लिए आने लगा। कर्माबाई भी नित्य अपने नियम से सवेरे जल्दी उठ करके भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान के सामने थाली रखती, भगवान खिचड़े का भोग लगाते, और उसके कुछ ही देर के बाद जब वह बालक आता, फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती, और इसी क्रम में वह लगातार यह काम चलता रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है, इसीलिए उसने कर्माबाई को स्नान करने की पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुन करके भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भगवान का भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज सुबह अपने समय पर आ जाता और कर्मा से कहता कि माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी ही खिचड़ा खाने के लिए दे दो, जल्दी कर दो माँ, माँ जल्दी कर। और कर्मा उससे कहती कि थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। और जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा करके बालक को खिचड़ा खिलाने को देती तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खा करके हाथ मुंह साफ किए बिना ही
जल्दी से उठ करके भाग जाता और यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। और इन्हीं दिनों में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ रहता। यह देख करके भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे, वे ऐसा सोचते थे, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है, हम तो खिचड़े का भोग लगाते ही नहीं, फिर यह खिचड़ा कहाँ से आ जाता है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानने लगे और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं खिचड़ा खाने जाते हैं और खिचड़ा खा करके वे वापस आते हैं। भगवान की लीला को जान करके वो मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि कहाँ से खिचड़ा खा करके आते हो, भगवान हमें भी बता दो। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक परम भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में रहती है, और वो सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है, और मैं भी रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ का बना खिचड़ा इतना पसंद है कि अब मैं क्या कहूँ। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने के लिए कह गया, इसीलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़ा खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट सहना पड़ता है, और जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्त गण आने लगते हैं, इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठे मुंह भाग करके आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ से यह जानकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और साधु को बुलाकर उसे सारी बात बता दी। पुजारी से यह सब जान करके वह साधु घबराया हुआ कर्माबाई के पास पहुंचा और उनसे हाथ जोड़ करके कहने लगा कि आप पहले की तरह सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़े का भोग लगाया करो, आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की जरूरत नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्माबाई अगले दिन से पहले की ही तरह भगवान को खिचड़े का भोग लगाती रही और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाती रही। यह क्रम कई वर्षों तक निरंतर चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़ करके भगवान प्रभु के धाम में चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के श्री विग्रह के नयनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देख करके मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हो गई है या कोई अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई हैं और मुझ में विलीन हो गई हैं, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश उसी दिन पारित कर दिया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़े का ही भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस न हो। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़े का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की लीला बड़ी अपरंपार है। दोस्तों, सैकड़ों सालों के बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। माँ कर्माबाई के नाम से आज भी 56 भोग से पहले खिचड़े का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, भक्त और भगवान की यह एक अद्भुत कहानी थी। भगवान की लीला भगवान स्वयं जानते हैं और भक्त पर वह कैसे कृपा करते हैं इसे कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।